गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्स फायर, दैट इज अ मैनेजमेंट सिस्टम व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एफएमसी, फायर साइड मैनेजमेंट सिस्टम एंड समटाइम्स फायर साइड डिफेंस सेंटर. सो इन अ अर्लियर वर्जन इट वाज कॉल्ड एज अ फायर साइड डिफेंस सेंटर एंड देन लेटर इट वाज नेम्ड एज अ फायर साइड मैनेजमेंट सेंटर. And which we will talk about totally raw menus and what are options available. And this is for an older version. Later I will upgrade it. And जब मैं upgrade करूँगा तो upgrade करने के बाद इसका फिर नए version में इसका कैसे look आता है, तो दो हमारे पास different variant हो जाएंगे. So let's log in into it. मैं इसका IP address access करता हूँ फायरसाइड, और इसका डिफॉल्ट पासवर्ड है एडमिन सोर्स, एडमिन सोर्स फायर. इनिशियली जो पुराने जितने भी वर्जन थे उसमें एडमिन सोर्स फायर था, उसके बाद जो वर्जन आ गए उसमें एडमिन 123 और सिस्को 123, इस तरह से डिफरेंट पासवर्ड आ गया. अभी एडमिन कैपिटल एस सोर्स फायर है. मैंने लॉग इन पर क्लिक कर दिया है. लेट सी हाउ इट वर्क. अभी सब कुछ आ गया है. ये फर्स्ट विंडो है, तो हम मेन्यूज में जाते हैं. सबसे पहले राइट हैंड साइड के कौन कौन से मेन्यूज हैं उनको देखते हैं. एडमिन पर क्लिक करेंगे तो यूजर प्रेफरेंसेस आती है और लॉग आउट आ जाता है. यूजर प्रेफरेंसेस में क्या क्या है, करंट पासवर्ड और होम पेज. आपको कौन सा होम पेज है, इट्स वेरी स्लो. होम पेज में डैशबोर्ड और रिपोर्ट सिंक्स वगैरह में क्या क्या आपको चाहिए वो सारा आप कॉन्फिगर कर सकते हो. इवेंट्स अगर आपको देखनी है, यहाँ से आप इवेंट्स वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो. टाइम जोन अगर आपको सेट करना है, कौन सी कंट्री कौन सा टाइम जोन, तो आप यहाँ से ले सकते हो. डैशबोर्ड की सेटिंग, कि जब डिफरेंट सबसे पहले डैशबोर्ड आता है वो किस चीज़ का है, समरी आए, एक्सेस कंट्रोल आए, फाइल डैशबोर्ड आए, यूआरएल स्टेटिक्स आए, उड़ना ना आए. ठीक है, ये हो गया एडमिन प्रेफरेंसेस. अब हम आते हैं हेल्प में. हेल्प में ऑनलाइन में जाना है, जो वेबसाइट है उसके लिए सपोर्ट साइट में जाना है, या ईमेल सपोर्ट है, या अबाउट. अबाउट देखते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में. बाकी दूसरी साइट से और किसी में जाएंगे तो ये कहीं और जाके जाता है, दूसरी जगह लॉगिन करता है. ये इसका मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ दिखा देता है. अपडेट वर्जन, रोल बैक, वीवी बिल्ड वर्जन, सपोर्ट वगैरह के लिए ये सारी डिटेल दिखा देता है. सिस्टम में जाते हैं. सिस्टम में ये सारे मेन्यूज हैं. तो सिस्टम के मेन्यूज में सबसे पहला मेन्यू लोकल कॉन्फ़िगरेशन. ये इसकी सारी लोकल डिटेल है फायरसाइड की, FDC की. ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस ये इसका वर्जन है. सिस्टम पॉलिसी, इनिशियल पॉलिसी, अभी सब कुछ इनिशियल है, इसलिए ये इनिशियल दिखा रहा है. सर्टिफिकेट्स वगैरह देखो, इसको अभी नाम अभी डिफेंस सेंटर 4000D है. डेटाबेस वैलिडिटी नॉट बिफोर, अभी ये इवोल्यूशन वर्जन में चल रहा है. इसका सीरियल नंबर और ये सारी चीजें हैं, अभी ये एक्टिवेटेड नहीं है. CSR वगैरह, इंपोर्ट HTTPS सर्टिफिकेट्स, अगर आपको और कुछ लाना है तो. डेटाबेस की अगर हम बात करें यहाँ, तो अलाउ एक्सटर्नल डेटाबेस, यहाँ से आप एक्सटर्नल डेटाबेस को कनेक्ट करके डेटाबेस का नाम देके JDBC वगैरह कनेक्ट करके और यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हो अगर बाहर का डेटाबेस है. अभी हमने लोकल डेटाबेस को ही बाई डिफॉल्ट जो डेटाबेस आता है उसको मॉडिफाई नहीं किया है. ये लोकल इंटरफेस की डिटेल है. अभी फिलहाल हमारा जो मैनेजमेंट इंटरफेस है वो ETH 0 पे है कनेक्टेड, और उसके अलावा इसका IP एड्रेस डिफॉल्ट है. अगर चेंज करना चाहो आपसे, यहाँ से चेंज कर सकते हो. IP एड्रेस डिसेबल्ड, इनेबल्ड, इवेंट ट्रैफिक, इन्हें कुछ भी करना हो यहाँ से कर सकते हो. ETH 01 को अगर आपने मैनेजमेंट ट्राफिक के लिए इनेबल किया तो उसका IP एड्रेस दे के और यहाँ से इनेबल कर सकते हो. मैनेजमेंट ट्रैफिक ऑटो निगोशिएशन IP4 डिसेबल्ड, स्टैटिक देखे और आप उसको चेंज कर सकते हैं.
इसी तरह आपके राउट की इन्फॉर्मेशन है, अगर आप राउटिंग इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो तो अभी फिलहाल एक ही राउट डाला हुआ है स्टार, उसके अलावा मल्टीपल राउट डालना चाहते हो ये तो डेस्टिनेशन ऑल राउट्स गोज टू दिस, हम चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। IPv6 यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस वगैरह की डिटेल देख लीजिए कौन कौन से प्रोसेस वगैरह चल रहे हैं, अगर इन प्रोसेस में अगर आपको शट डाउन करना है डिफेंस सेंटर को रन पे क्लिक करो हो जाएगा, रिस्टार्ट करना है रिस्टार्ट पर क्लिक करो हो जाएगा, बाद में देखते हैं ये अनलॉक करने के लिए। टाइम अगर आपको देखना है तो ये आपका टाइम है कैसे कॉन्फिगर करेगा, रिमोट स्टोरेज वगैरह की अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो ये रिमोट स्टोरेज की कॉन्फ़िगरेशन है, रिकंसॉलेशन कंसोल कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको तीन तरह का कंसोल आता है बहुत इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, VGA कंसोल, फिजिकल सीरियल पोर्ट कंसोल और लाइट आउट कंसोल, उसके अंदर आपको DHCP कॉन्फ़िगर करना, मैनुअल करना, IP एड्रेस दे दिया और उसके बाद ही आप एक्सेस कर पाओगे। इन दीज आर रेडियो बटन्स, या तो आप ये एक्सेस कर सकते हो या आप ये एक्सेस कर सकते हो या आप ये एक्सेस कर सकते हो, एट ए टाइम ओनली यू कैन एक्सेस वन, यू कॉन्ट एक्सेस ऑल थ्री। मतलब अगर आपको VGA में करना है तो आपको मॉनिटर लगाओगे कीबोर्ड लगाओगे तभी आप एक्सेस कर पाओगे, अगर आपने फिजिकल सीरियल लगा दिया तो फिर आप मॉनिटर पे कुछ नहीं आएगा, वहाँ मॉनिटर पोर्ट आपका बंद हो जाएगा, फिर वो कंसोल जो केबल है सीरियल कंसोल उसमें आना जाएगा। अगर आपने लाइट आउट कॉन्फ़िगर कर दिया तो जो लाइट आउट का पोर्ट नंबर 6-7 होता है उसके अंदर आप इथरनेट का केबल लगाएंगे और वहीं से अगर आप लाइट आउट पे बाहर KVM स्विचेज वगैरह पे एक्सेस कर पाएंगे या इस तरह से। चलो हम देखते हैं अपडेट्स में, कोई भी अपडेट देखो, डिफेंस सेंटर रनिंग ऑन सॉफ्टवेयर वर्जन 5.4.1, अभी इसको अपडेट करेंगे नेक्स्ट टाइम तो दूसरा चेंज कर लेंगे। सोर्स फायर 3D डिफेंस सेंटर S3 पेज अनइंस्टॉलर, ये भी सब डिफॉल्ट है। लाइसेंसेज में देखते हैं, ओके ये रह गया, रूल अपडेट जियो लोकेशन कुछ भी नहीं है। लाइसेंसेज में अभी कुछ नहीं है, इसमें एड न्यू लाइसेंस, अगर आपका लाइसेंस है तो आप यहाँ से लाइसेंस एड कर सकते हो, अभी ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा आपको दो लाइसेंसेस का, अपग्रेड करने के बाद ये डबल लाइसेंस का ऑप्शन दिखाएगा कि आपको FMC अपग्रेड करना है, लाइसेंस एक्टिवेट करना है, या आपको लाइसेंस जो एक्टिवेट करना है FTD का करना है, जब क्योंकि पुराने वर्जन में ये दोनों को सेम दिखाता है, नए वर्जन में अब ये दो डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंसेस दिखा देगा। रिटर्न टू लाइसेंस पेज, इसके लिए आपको इंटरनेट होना जरूरी है, बिना इंटरनेट के ये लाइसेंस आपको एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग में आप जाइए, ऑडिट सिसलॉग ट्रैक स्टेटस ये सारी चीज़ें हैं, अब देखो ऑडिट लॉग में आपने क्या क्या किया और देखो कहाँ क्लिक किया है, सारी चीज़ दिखा दी इसने, लोकल सिस्टम चेंज किया नहीं किया, कब किया, किसको एक्सेस किया, लॉग आउट किया, मॉनिटरिंग ऑडिट सिसलॉग, सिसलॉग में इसने क्या क्या मैसेजेस भेजे अभी तक, सिसलॉग कन्फिगर ही नहीं है क्या, भरे सेशन क्लोज्ड, सेशन क्लोज्ड, इसने ये कमांड चलाया, यूजर लोकल है इसमें ट्रबल शूटिंग करते समय ये कमांड चलाया, ये कमांड चलाया, बहुत सारे हैं। इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड वायरलेस हिस्ट्री, जब शुरू शुरू में डेटाबेस अपना खुद का बनाना स्टार्ट करता है तो उसके डिटेल्स है, यूजर इंटरेक्शन कुछ नहीं है। टास्क स्टेटस, अगर आपने कोई टास्क स्केड्यूल कर रखी है और कुछ चला रखी है तो उसके लिए दिखाता है, नो पेंडिंग जॉब्स कुछ नहीं चला। स्टेटिस्टिक्स, अभी इसका एक्चुअल जो रनिंग स्टेटिस्टिक्स है उसका क्या डिटेल्स है, टाइम ये हो गया, कितने टाइम से अप है, लोड एवरेज है, मेमोरी कितनी यूज कर रखी है, कितनी हार्ड डिस्क खा चुका है, इवेंट्स कितनी पर सेकंड आ रही है, CPU सिस्टम VMRS KB, ये हम दे चुके हैं। लोकल कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग में, अब उसमें लोकल ये सिस्टम के अंदर ही आता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लोकल कॉन्फ़िगरेशन कंसोल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अपडेट्स हम दे चुके हैं।
मॉनिटरिंग हम दे चुके हैं, टूल्स में आ जाओ, बैकअप एंड रिस्टोर। डिवाइस भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको अगर आपको बैकअप करना है तो यहाँ से डिफेंस सेंटर बैकअप लेना है, मैनेज डिवाइसेस बैकअप, FTD वगैरह का बैकअप लेना है, या फिर आपको जो बैकअप लिया हुआ है उसको अपलोड करना है। अभी कुछ भी नहीं है हमारे पास, बिल्कुल रॉ है, ब्लैंक है। बैकअप प्रोफाइल्स अगर आपने बना रखी है कोई, जैसे कोई भी प्रोफाइल बना के अगर आप ऐड कर क्रिएट प्रोफाइल बनाओ, वहाँ से किसका बैकअप कौन से टाइम पर लेना है, उसके लिए स्केड्यूल करना है आपको बैकअप को, ऑटो स्केड्यूल, डेट वगैरह डिसाइड कर लो, क्लिक कर दो और डिटेल डाल दो टास्क में ऐड करके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टम टेबल व्यूज, इन सारी चीजों के साथ आप इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को परफॉर्म कर सकते हो। रिपोर्ट, हेड पॉलिसी, डैशबोर्ड, वर्कस्पेस एटसेट्रा, डेटा पेज, डेटा पर्ज, काफी डेटा हो गया आपका, डिलीट किया आपको उसको पर्ज करना चाहते हो पुरानी हिस्ट्री वगैरह को, तो नेटवर्क डिस्कवरी, डेटा आइडेंटिटी, कनेक्शंस, इवेंट, किसको पर्ज करना चाहो क्लिक करो, पर्ज कर दो। ये डिटेल्स आपकी, ये सारे हेल्प मेन्यू की हो गई। अब आप हेल्थ मेन्यू पे आते हैं सिस्टम के बाद। सबसे पहले हम लोग जाएंगे हेल्थ मॉनिटर में। अगर हेल्थ मॉनिटर में हम देखेंगे अप्लायंस का हेल्थ मॉनिटर क्या है, कितने एरर है, कितने क्रिटिकल के काउंट है, वार्निंग है, कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। हेल्थ पॉलिसी अगर आपने कोई बना रखी है तो वो यहाँ से आप देख सकते हो, इनिशियल हेल्थ पॉलिसी, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया तो इसने अपने एक इनिशियल बना के रखता है, उसी को दिखा दिया। हेल्थ इवेंट्स अगर कोई आई है तो यहाँ पर इवेंट सेक्शन में वो सारी हेल्थ की इवेंट्स को दिखा देगा, कब कब क्या हुआ, टाइम सीरीज ये हुआ, ऑल इंटरफेस आर वर्किंग करेक्टली, प्राइमरी डिस्क स्टेटस हेल्थी, ऑल प्रोसेसेस आर रनिंग करेक्टली, ये सारे हेल्थ इंफॉर्मेशन है। अगर सबसे फर्स्ट हेल्थ की अगर इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे, जब डिवाइस स्टार्ट हो गई तो ये पावर सप्लाई की हेल्थ चेक करी इसने, और पावर सप्लाई की हेल्थ चेक करने के बाद इसने फाउंड किया कि दोनों सप्लाई स्टेटस ऑनलाइन है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, कितना परसेंट लाइसेंस आर अप टू डेट, देखो लाइसेंस मॉनिटर में आर अप टू डेट, कोई भी लाइसेंस एक्सपायर नहीं है, एवोल्यूशन वगैरह है, इवोल्यूशन लाइसेंस है, इसलिए किसी भी उसमें क्लिक करेंगे तो उसके डीप में जाके अगर आप उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करके डीप में जाके देख सकते हैं, जैसे लाइसेंस मॉनिटर में ये सारा दिखा देगा अप टू डेट। बैक आ जाओ, हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ इवेंट्स हो गई, हेल्थ पॉलिसी हो गई, वो आ जाओ ब्लैक लिस्ट। अगर आपने किसी को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है ब्लैक लिस्ट की, तो यहाँ पे दिखा देगा कि किसको अलाउ करना है, किसको डिवाइसेस को ब्लैक करना, ब्लॉक करना, तो ब्लैक लिस्ट में सिलेक्टेड डिवाइसेस, ब्लैक सिलेक्टेड डिवाइसेस, यहाँ से क्लिक करो। हेल्थ पॉलिसी, किसी भी पॉलिसी पे अप्लाई करना है, क्लियर ब्लैक लिस्ट ऑन सिलेक्टेड डिवाइसेस। हेल्थ मॉनिटर अलर्ट्स, क्रिटिकल वार्निंग, किसको कहाँ पर दिखाना है अलर्ट्स वगैरह, ज़्यादा ये सारे अलर्ट्स वगैरह अगर आपको शो करवाने हैं तो ये सारी आ जाएगी। एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शन, डिस्क यूजेस, एम्प मॉनिटर, इंट्रूजन की इवेंट आती है, रिकॉन्फ़िगरेशन वगैरह, ये सारा कर सकते हैं। ये सारे राइट के मेनू सारे हो गए। अब आ जाओ लेफ्ट के मेनू देखते हैं, ओवरव्यू। ऐसे में आपको एक एक सारे बता देता हूँ कि ओवरव्यू में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सब मेन्यूज हैं, तो सब मेन्यूज में देखो अगर आप डैशबोर्ड के अंदर जाओगे तो उसके अंदर फर्दर सब मेन्यूज हैं, एक्सेस कंट्रोल, यूजर स्टेटिक्स, एप्लीकेशन स्टेटिक्स, कनेक्शन समरी, डिटेल डैशबोर्ड, फाइल डैशबोर्ड, समरी डैशबोर्ड, यूआरएल मैनेजमेंट, और ये जो अभी दिखा रहा है डैशबोर्ड का दिखा रहा है, उसी के अंदर अगर आप दूसरे वाले सब मेन्यू में जाते हो रिपोर्टिंग में, उसका एक भी सब मेन्यू नहीं है। फर्दर समरी वाले में और फर्दर सब मेन्यूज है, क्या समरी, जो स्टेट्स देखने हो, ग्रुप है, इवेंट्स का ग्राफ है, डिस्कवरी है उसका। दूसरा मेन्यू देखते हैं एनालिसिस। एनालिसिस में अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके फर्दर सब मेन्यूज हैं, कंटेंट एक्सपोर्टर, कनेक्शंस की इवेंट्स, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, इंट्रूजन्स में इवेंट्स,
रिव्यूड इवेंट्स, क्लिपबोर्ड, इंसिडेंट्स, फाइल्स में आप देख लो, मेलवेयर की इवेंट्स आई हो, फाइल इवेंट्स आई हो, कैप्चर फाइल्स आई हो, नेटवर्क और ट्रजेक्टरी आई हो। होस्ट में अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क मैप दिखा देगा पूरा, होस्ट कौन कौन से होस्ट है जिन पे इंट्रूजन का अटैक हुआ है, या सही चल रहा है नहीं चल रहा है, होस्ट एट्रीब्यूट्स वगैरह डिस्कवरी, ऐसे यूजर्स की एक्टिविटी अगर आपको देखनी हो, वल्नरेबिलिटीज कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं, थर्ड पार्टी वल्नरेबिलिटीज हैं, कोरिलेशन अगर आपको करना है या इसने ऑलरेडी किया है तो उसकी डिटेल से दिखा देगा कोरिलेशन स्टेटस, कस्टम वर्कफ्लोज, कस्टम टेबल्स, सर्च अगर आपको कुछ करना है तो, पॉलिसीज देखते हैं। आपने जो पॉलिसीज बनाई है उसमें एक्सेस पॉलिसी, इंट्रूजन वाली पॉलिसी, रूल एडिटर, ईमेल वगैरह के लिए, फाइल्स के लिए अगर कोई पॉलिसी बनाई है, नेटवर्क डिस्कवरी, एसएसएल के लिए, एप्लीकेशन डिटेक्टर्स के लिए, यूजर्स, कोरिलेशन, एक्शन करना हो, अलर्ट, स्कैन, ग्रुप, रेमेडिएशन, मॉड्यूल्स, इंस्टांसेस, ये सारी पॉलिसीज जो बना रखी है उसका स्टेटस दिखा देगा आपको एप्लीकेशन स्टेटस। डिवाइसेस में अगर आपको क्लिक करेंगे तो जो अभी जो परमानेंट आपके डिवाइसेस कॉन्फ़िगर्ड है या एडेड है या नहीं है, तो अभी फिलहाल जो डिवाइस मैनेजमेंट में एक भी डिवाइस नहीं है। फिर नेट में अगर आप देखेंगे तो अगर इसका कोई नेट कॉन्फ़िगर कर रखा है, वीपीएन बना रखा है, तो वीपीएन नहीं है तो नहीं दिखाएगा। हमने दिखाया था डिवाइस मैनेजमेंट में, सपोज कोई डिवाइस ऐड करनी है आपको, आप क्लिक करोगे ऐड डिवाइस, ऐड ग्रुप, ऐड क्लस्टर, ऐड स्टेट, कोई अगर डिवाइस ऐड करेंगे तो होस्ट नेम, डिवाइस के रजिस्ट्रेशन की, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, सो मतलब स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन की मांग लेता है। अगर उसको ग्रुपिंग करना है नहीं करना है, एक्सेस कंट्रोल अगर कुछ लगाना है तो डिफॉल्ट इंट्रूजन लगाना है, नेटवर्क डिस्कवरी लगानी है, ये सारा पहले देना पड़ेगा। लाइसेंसिंग वगैरह का क्या स्टेटस है, जैसे ही अगर आपने क्लिक किया और डिटेल करेंगे तो ये सारी लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर अगर आपको एडवांस में क्लिक किया तो यूनिक नेट आईडी अगर आपको उसकी कुछ देनी है ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आए, होस्ट नेट आईडी इज रिक्वायर्ड। ये हमने देख लिया। अभी हम ऑब्जेक्ट्स पे जाते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अगर आपको जोन क्रिएट करना हो, व्यू लेंस क्रिएट करने हो, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के बाद आपके कॉन्फ़िगर करने में काम आएंगे। पहले आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, जैसे आपको कोई नेटवर्क, अपना लोकल नेटवर्क क्रिएट करना है 000 या कोई आईपी सेगमेंट्स क्रिएट करने हैं, तो वो सारे आप यहाँ पे पहले नाम के साथ क्रिएट कर लोगे, यूआरएल्स, सब हर चीज़ का आपको ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा, आपको फाइल सिक्योरिटी जोन देने पड़ेंगे, जियो लोकेशन है, पीकेआई है, पीकेआई की डिटेल्स हो गई, इंटरनल सीएस है, सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, वेरिएबल सेट्स हैं अगर कोई बना हुआ है तो, फाइल लिस्ट वगैरह। अब देखते हैं आगे, अभी एम्प एडवांस मेलवेयर प्रोडक्शन की अगर आपको कोई डिटेल्स यहां पर, ये तो इनका क्लाउड है, इनका खुद का क्लाउड है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, एक डिफॉल्ट क्लाउड बना हुआ है। अगर आपको खुद अपना खुद का नया क्लाउड बनाना है तो क्रिएट फायर एम्प कनेक्शन और नया क्लाउड बना सकते हो। ये सारे मेन मेन्यूज हो गए। अब वापस आते हैं मेन्यू में, वन बाय वन ऑब्जेक्ट्स में आ गए। ऑब्जेक्ट्स में एक ही है सब मेन्यूज, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। अब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, अगर ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाना है तो यहाँ से आप कई एक सारे कई ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना सकते हैं, जैसे पूल बनाते हैं, सर्वर वन, सर्वर टू, सर्वर थ्री, और यहाँ बना दिया सर्वर पूल, फिर उसमें वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स कॉल कर लिए। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस में अगर कुछ जैसे वाइट लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और भी इंटेलिजेंस के फीड आते हैं तो उसको आप खुद मॉडिफाई करके कन्फिगर कर सकते हो। पोर्ट्स वगैरह आपने कन्फिगर करने के इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ नए नए पोर्ट्स बनाने हैं आपको, ये डिफॉल्ट पोर्ट्स हैं जिनके नाम दे रखे हैं, रेडियस है, सिप है, एसएमटीपी है, और भी पोर्ट्स हैं, एसएसएच है, सिसलॉग है, ये सारे पोर्ट्स ऑलरेडी कन्फिगर्ड है। बट अगर आपको नए नए पोर्ट्स हैं, अगर आपके सिस्टम में जैसे वेब लॉजिक पोर्ट है, कई तरह के पोर्ट्स कन्फिगर करने होते हैं, कस्टमाइज पोर्ट है, तो यहाँ से आप ऐड पोर्ट करके पोर्ट का नाम दे दिया, टीसीपी है, यूडीपी है, किस पे कौन से पोर्ट पर काम कर रहा है, ऐड कर सकते हो, फिर उसको पोर्ट को कॉल कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ से ग्रुप कर सकते हो उनको। अब आपको नए वीलेंस बनाने हो तो वीलेन टैग में जाके, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स में जाके यहाँ पे नया वीलेन, वीलेन का आईडी दे के और क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर उन्हीं वीलेन को ऑब्जेक्ट को ग्रुप बना सकते हो, मल्टीपल वीलेंस को, कि जैसे कि ये रेड जोन है, डीएमजी की वीलेंस है, ऐसे करके। नए नए यू आर एल्स अगर आपको बनाने हैं तो एक पर्टिकुलर यू आर एल आपने ऐड कर दी जिससे कि बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप
पिंग उन्हीं को यूआरएल को कर सकते हो। एप्लीकेशन फिल्टर्स, यहाँ अगर आप नया एप्लीकेशन फिल्टर बना सकते हो, यहाँ से डिटेल दे के उसका पहले फिल्टर का नाम दे दिया और ये सारी बहुत सारी एग्जॉस्टिव डिटेल्स है जो तो मेरे को भी अभी आइडिया नहीं है कि कैसे उसको मैप करना, बट ये आपके सामने है। और यहाँ से सेलेक्ट करके इधर ओके किया और सेव कर दिया और यहाँ नाम दे दिया। वेरिएबल लिस्ट, नए नए वेरिएबल्स अगर आपको बनाने हो यहाँ पर जो कि आपके कॉन्फ़िगरेशन में काम आएंगे वो यहाँ से वेरिएबल्स आप बना सकते हो। एड वेरिएबल लिस्ट, वेरिएबल का नाम दे दिया और वेरिएबल के क्या और दूसरे डिस्क्रिप्शन है, पैरामीटर्स है, ये यहाँ से आपने बना दिए, जैसे HTTP सर्वर्स, नेटवर्क, होम नेट, ऐसे ये इसकी वैल्यू है। अगर कोई कहीं भी कोई इसका अगर रेफरेंस आए SSH पोर्ट्स तो 22 नाम आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने फाइल लिस्ट बनानी है यहाँ पर तो क्लीन लिस्ट हो गई, कस्टमाइज है, कौन कौन सी फाइल्स कितनी बार यूज आ रही है, अलाउ करनी है, तो वो डिटेल देती है। सिक्योरिटी जोन मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि सिक्योरिटी जोन से DMZ जोन, इंटरनल जोन, एक्सटर्नल जोन और भी नए पिंक ब्लू ये वो, जोन का नाम दे दिया और जोन की डिटेल ले ली कि कौन सा इनलाइन है कि दूसरा पैसिव है कि कौन सा जोन है, स्विच्ड है, राउटेड है, ऐसे हैं, उसी यहाँ से नाम ले लिया। नाम लेने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, मान लो स्विच्ड जोन है तो स्विच्ड जोन कर लिया और उसके बाद इंटरफेस, मान लो उस पर्टिकुलर इंटरफेस का क्या है स्विच में इंटरफेस आईडी, वो यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर लिया। अभी हमारे पास एक भी एडेड नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा, बट आप ये दे सकते हो पैसिव, जो पैसिव है, पैसिव के बाद इनलाइन है, इनलाइन के बाद स्विच्ड है, राउटेड है, ASA है। साइफर शूट लिस्ट कुछ भी नहीं है, आप ऐड कर सकते हो VPN वगैरह या कोई भी पैरामीटर्स वगैरह अगर आपको यूज करने हैं तो सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। डिस्टिंग्विश्ड नेम की लिस्ट ऑलरेडी है इसमें, स्टार डॉट सिट्रिक्स CN = दिस, ऐसे अगर आप अपने कुछ ऐड करना चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब हम PKI आपने देख ही लिया कि PKI के सर्टिफिकेट्स, ट्रस्टेड CAs कौन कौन से है, ऑलरेडी बहुत सारी लिस्ट है। एक्सटर्नल सर्ट्स, इंटरनल सर्ट्स अगर जैसे बनाएंगे तो यहाँ आते जाएंगे, इंटरनल CA ग्रुप, ट्रस्टेड CA ग्रुप्स, एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन ग्रुप, ओके। जियो लोकेशन में अगर कोई डिटेल देखने है तो ये सारी हो गई। अब आ जाओ डिवाइसेज पे, आ जाओ डिवाइसेज में, डिवाइस मैनेजमेंट अगर आपको ऐड करना है किसी डिवाइस को तो यहाँ से आप डिवाइस को ऐड कर सकते हो, ऐड डिवाइस, जैसे मैंने कहा था कि ऐड डिवाइस, यहाँ पे होस्ट रजिस्ट्रेशन की दे सकते हो। ऐसे ही अगर डिवाइस को आपको ऐड करने के लिए अगर डिवाइस का ग्रुप बनाना पड़े तो उसकी ग्रुप के लिए कौन कौन से अवेलेबल डिवाइस है, यहाँ ग्रुप बनाया, ऐड ऐड किया, ओके कर दिया। इसी तरह अगर आपको डिवाइस का क्लस्टर बनाना है, देर आर नॉट एनफ अवेलेबल डिवाइसेज फॉर ए न्यू क्लस्टर, अभी एक डिवाइस ही नहीं है तो क्लस्टर कहाँ से बनेगा, सर सही बोल रहा है। और स्टैक में डिवाइस बनानी हो तो ये आप ऐसे कर सकते हो। नेटिंग कन्फिगर करनी हो, VPN कन्फिगर करना हो, ये हमने देख लिया डिवाइसेस। वापस आते हैं पॉलिसीज पे, अब देखो पॉलिसी बड़ा एग्जॉस्टिव टॉपिक है, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, अगर आपको नई पॉलिसी बनानी है यहाँ से नाम दे दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, उसको ब्लॉक पॉलिसी बनानी है, इंट्रूजन प्रिवेंशन बनानी है, नेटवर्क डिस्कवरी बनानी है, ये सारी पॉलिसीज आप नॉर्मल वे में बना सकते हो। ये कौन सी है, एक्सेस पॉलिसी। ऐसे ही आपकी इंट्रूजन पॉलिसी बनानी हो, इंट्रूजन डिटेक्शन ये वो, इंट्रूजन प्रिवेंशन की पॉलिसी बनाने के लिए यहाँ से आप क्लिक करो क्रिएट, ये देखो ऑलरेडी इनिशियल इनलाइन पॉलिसीज, सोर्सफायर 3D, इनिशियल पैसिव पॉलिसीज, तो जनरली है कि ड्रॉप इन इनलाइन, यस ड्रॉप इन, तो पैसिव भी बनाते हैं जनरली अगर आपको नॉर्मल फायरवॉल अगर आपको ऐड करना है तो। सपोज इसको हम लोग एडिट करके देखते हैं, नहीं तो क्रिएट करके नई पॉलिसी बना सकते हैं। तो इस पॉलिसी में कुछ भी नहीं है, सिंपल पॉलिसी है, देखो एडिट पॉलिसी, लोड बेस्ड पॉलिसी है। बेड पॉलिसी में आपके ड्रॉप कुछ नहीं होगा, इनलाइन में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये आपको रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करने का मतलब देखो इनिशियल पैसिव सोर्स फायर डिफॉल्ट पॉलिसी क्या करेगा, ये बेस पॉलिसी क्या, बैलेंस सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी, यहाँ से ले ली इसने, उठा ली कि कौन कौन सी सिक्योरिटी जो है उसको बैलेंसिंग के रूप में उठा ली। आप चेंज कर सकते हो, नो रूल एक्सपीरियंस एनी लगाना हो तो, दिस पॉलिसी इज इनेबल्ड रूल्स, देखो इसमें कितने इनेबल्ड है, 101 रूल जनरेट इवेंट्स, ये सारी डिटेल्स हैं।
कमिट चेंजेस करने पड़ते हैं, मैनेज रूल, अगर आपको मैनेज करनी है रूल को, तो कौन कौन से रूल है, तो ये सारे रूल्स हैं, ये जो इन्हें सब इनेबल कर रखे हैं, डिसेबल भी हैं, द ब्लैक लिस्ट, क्लासिफिकेशन, बहुत ही एग्जॉस्टिव है ये, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद प्रायोरिटीज, फिर रूल अपडेट, किसको इनेबल करना, किसको डिसेबल करना, ब्लॉक लिस्ट, ये सारा सब कुछ है। इसी तरह फायर साइड रिकॉग्निशंस, हम वापस बैक में जाते हैं, अगर हमको बेस पॉलिसी को एडिट करना है कि कौन सी बेस पॉलिसी लगानी है, कौन सी नहीं लगानी, तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको अप आउट करना, बिलो करना, रूल्स, ग्लोबल रूल्स, माई चेंजेस, अगर मैंने कोई रूल लगाया है तो उसके अपने खुद के चेंजेस यहाँ पर दिख जाएंगे, एडवांस सेटिंग, ग्लोबल रूल, थ्रेस होल्डिंग अगर लगानी हो, ये काफ़ी जो पॉलिसी है बड़ी एग्जॉस्टिव पॉलिसी है, इसको आपको ये मैंने इसलिए बताया कि देखो 5.4.1 में इस तरह दिखती है और नए वर्जन में कैसे दिखेगी आप खुद ही देख लेना। रूल एडिटर, अगर नया रूल बनाना है आपको इंट्रूजन प्रिवेंशन के लिए, तो ये देखो आ गया, कैटेगरी दे दो, नाम दे दो, यहाँ से सेलेक्ट करो और क्रिएट रूल, रूल कर क्रिएट कर दो जनरली, ये सारा आप ऑलरेडी रेडीमेड काफी वो मटेरियल दिया हुआ है, तो आपको ये सब चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। ईमेल्स देखते हैं, ईमेल में क्या देना होता है, कि कोई भी चीज अगर आपको ईमेल करनी हो, पॉलिसी वगैरह की डिटेल्स वगैरह का कुछ, तो फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस मैक्सिमम अलर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी वगैरह कहाँ से सेव कर दो, तो अगर कुछ एरर या अलर्ट्स वगैरह आएंगे तो 50 अलर्ट्स या 300 फ्रीक्वेंसी पे एक एक ईमेल आ जाया करेगी। ये फाइल्स देखते हैं पॉलिसी के अंदर, ये क्योंकि दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको फाइल पॉलिसी लगानी है तो एक नई फाइल पॉलिसी लगाई, न्यू डिस्क्रिप्शन डाल दिया और इसमें डाल दिया, उसके बाद लास्ट मॉडिफाई एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी भी लगा सकते हो उस फाइल पर। नेटवर्क डिस्कवरी अगर आपको चलानी है, नेटवर्क डिस्कवरी के लिए कौन कौन से 00 ये कॉलम मतलब चाहिए, IPv4 या IPv6 दोनों में, सारे 0s हैं, किसी भी जोन से, एनी जोन, ये सारे एनी जोन से, मतलब सबसे, सोर्स पोर्ट नन है, डेस्टिनेशन पोर्ट नन है, डिस्कवरी एप्लीकेशंस करनी है और सब अलाउड दे रखा है। इस तरह यूजर वगैरह है, ये सारी प्रोटोकॉल डिटेक्शन जो है, MIMAP, IDAP, Oracle, POP3, FTP, सब यस। एडवांस सेटिंग में आप देख लो, कैप्चर बैनर्स अभी कुछ डाल नहीं रखा हमने, हम करवा देंगे, अपडेट इंटरवल्स इतनी देर में अपडेट करना है, 3600 सेकेंड्स, तो 1 घंटा हो गया लगभग, 1 आवर। जनरेट आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट करना हो कुछ, अगर आपको आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट अगर अभी है नहीं कुछ, ऑटोमेटिकली रिजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट डिसेबल्ड है, अगर इनेबल करना हो तो खुद की खुद ही ट्राई करेगा। वल्नरेबिलिटीज टू यूज द इंपैक्ट एक्सेस, ये सब करना होता है, यस। इवेंट लॉगिंग, ऑल इवेंट्स लॉग, ये सब दे रखा है। ये पॉलिसीज में नेटवर्क डिस्कवरी हो गई, SSL ट्रैफिक मतलब सिक्योर सॉकेट लेवल पर ट्रैफिक है, अगर आपको SSL पॉलिसी लगानी है किसी के लिए ट्रैफिक के लिए, तो यहाँ से आप लगा सकते हो, उसको डिक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है, नहीं करना है, इनक्रिप्ट करना है, ब्लॉक करना है या नॉर्मल उसके साथ। एप्लीकेशन डेटा डिटेक्शन, मुझे हमारी कौन सी एप्लीकेशन चल रही है उसको डिटेक्ट करना, उसको अलाउ करना है या नहीं करना, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ऑथरवाइज है, स्टेट, ये सारे फील्ड्स अभी तो ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, टाइप ही देख लो खाली है, सब खाली वैसे ही देख सकते हो एप्लीकेशन डिटेक्ट। इसी तरह आपको यूजर वाइज अगर आपको पॉलिसी वगैरह देखनी हो तो उसका भी ये दिखा देगा, किस LDAP सर्विस, नो LDAP कनेक्शन करनी हो, सिस्टम कुछ भी नहीं, यूजर एजेंट भी कोई नहीं है, नो LDAP कनेक्शन अगर होते तो यहाँ दिखा देता है, एड यूजर एजेंट एज LDAP कनेक्शन, कनेक्शन को यहाँ डाल के आप मॉनिटर वगैरह और उसके ऊपर पॉलिसी लगा सकते हैं। कोरिलेशन का मतलब एक इंफॉर्मेशन आई है और दूसरी इन्फॉर्मेशन आई है, दोनों को मिला के और कोरिलेट करना, ये इसके काफ़ी है, पास इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको कोरिलेट करता रहेगा, अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा है तो कुछ भी नहीं गया। रूल मैनेजमेंट, देयर इज नो पॉलिसी, वाइट लिस्ट की कोई पॉलिसी नहीं है, डिफॉल्ट है और
ट्रैफिक पॉलिसीज, अब आपको ट्रैफिक पॉलिसी भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ती, कुछ भी नहीं है। और ये एक्सेंस में है, अलर्ट्स डालना, स्कैनर डालना, ग्रुप डालना, मॉड्यूल डालना, इंस्टेंसेस डालना, एड न्यू इंस्टेंस, अगर कुछ नए इंस्टेंट डालने से इसको आईओएस में डिवाइसेस, जैसे मैंने बताया आपको डिवाइसेस वगैरह ऐड करने के लिए, अच्छा हम लोग ये कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, एनालिसिस में आ जाते हैं हम लोग। एनालिसिस में वही है, रिपोर्टिंग वगैरह है, कनेक्शन है, उसकी इंटरजेंट इवेंट्स है, फाइल्स है, कॉन्फर्मेशन वगैरह। इन्फॉर्मेशन दिखा देगा सर, पॉलिसी हो गई, ओवरव्यू हो गया, अब हम ओवरव्यू पे आ जाते हैं। और भी हम देख ही चुके हैं, जैसे जियो लोकेशन का ओवरव्यू देखना, अगर लोकेशन वाइज ओवरव्यू, एम्प, हेल्थ। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ डिटेल्स था, फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर FMC 4000 सीरीज, जिसको कि अभी फायर फायर डिफेंस सेंटर भी बोलते हैं, जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो ये इसके अंदर चेंज आ जाएगा। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वाला अभी इसके जस्ट थोड़ी देर बाद करेंगे तो उसमें मैं अपलोड करके आपको बताता हूँ।